देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक की 49वीं वार्षिक निकाय के आम सभा की बैठक संपन्न हुई। 48वीं वर्ष निकाय की बैठक में पास हुए प्रस्तावों को पास किया। बैंक के अध्यक्ष ललित लटवाल ने कहा कि बैंक की निजी पूंजी वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में 407.40 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। सहकारी बैंक व्यावसायिक बैंकों की भांति CBS के अंतर्गत कार्य कर रहा है। अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक देश का पहला सहकारी बैंक है जिसका अपना QR कोड है। बैंक द्वारा 0% की दर से 1 अप्रैल से 2020 से 31 जनवरी 2021 तक कुल 12,470 लोगों का 5,927.55 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया है। आप देख रहे हैं अल्मोड़ा से रक्षिता बोरा की रिपोर्ट। क्या है, कितना का लाभ हो बैंक? आज हमारी 49वीं वार्षिक बैठक है। मैं सब लोगों को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस हमारी वार्षिक बैठकों में जो हमारे डेलीगेट्स के द्वारा जो हमें अंगों के सुझाव प्राप्त होते हैं उनको हम अपने आने वाले सारे कार्यक्रमों में समाहित करते हुए अपने क्षेत्र की जनता के आपके लिए उतारने का काम करते हैं। और इस वार्षिक निकाय की बैठक का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो हमारे डेलीगेटों के द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं सुझावों को किस तरीके से हम अपने बैंक में लागू करें, किस तरीके से अपनी समितियों में लागू करें, किस तरीके से अपने सरकार से भी उन कामों को लागू करने के लिए सिफारिश करें, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसका आयोजन आज हो रहा है। धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।